मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जो आईपीएल का मैच होगा, इसका हम इस वीडियो में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप हर एक फैंटेसी मैच का पूरा रिसर्च कर सकते हो। तो चलिए इस मैच का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मुंबई की टीम थोड़ी सी आपको कमज़ोर दिखाई देगी इस मैच में भी, तो आपको SRH के फेवर में अपने स्मॉल लीग की टीम बनानी चाहिए। तो चलिए मैच कहाँ पे होगा। मैच होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पे। यहाँ का जो पिच होता है आमतौर पे बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है, पाटा पिच माना जाता है, लेकिन इस सीज़न यहाँ पे बैटर्स और बॉलर दोनों को इक्वल सपोर्ट मिला है। बैटिंग बॉलिंग का अगर आप रेशियो देखोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर बनता है वो लगभग 153 का बनता है, और हर इनिंग में जो विकेट गिरती है वो लगभग 5 के आसपास गिरती है। पेसर्स और स्पिनर्स को आपको लगभग इक्वली सपोर्ट दिखाई देगा, उल्टा यहाँ पे स्पिनर्स थोड़े से एडवांटेज में रहते हैं। और पिच अब खुल चुकी है क्योंकि IPL लगभग ख़त्म होने को आया है, तो जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है वो 40% मैचेस जीती हुई है, जो टीम यहाँ पे सेकंड बैटिंग करती है वो यहाँ पे 60% मैचेस जीती हुई है। फ्रीक्वेंट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन अपीयरेंसेज ऑन दिस वेन्यू, यानी इस वेन्यू पे ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स कैप्टन और वाइस कैप्टन रह चुके हैं, उनमें किस किस का नाम आ रहा है, उमरान मलिक और डैनियल सैम्स, तो ये दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। टॉप प्लेयर्स ऑन दिस वेन्यू बैटिंग पॉइंट्स से राहुल त्रिपाठी का 52 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है इस वेन्यू पे, तो इंपॉर्टेंट होंगे आपके। लेडन मार्क्राम इनका 49 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, तिलक वर्मा इनका यहाँ पर 46 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, और अभिषेक शर्मा का 43 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। अगर हम बॉलिंग से देखें तो कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उमरान मलिक का वानखेड़े स्टेडियम पे 84 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, और डैनियल सैम्स का 54 फैंटेसी पॉइंट्स का, कुमार कार्तिकेया 50 फैंटेसी पॉइंट्स, रिले मेरिडिट 49 फैंटेसी पॉइंट्स, तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले हैं। अब हम चलते लास्ट 5 T20 मैचेस इस वेन्यू पे देख लेते हैं। CSK और गुजरात टाइटंस के बीच में एक मैच हुआ था, यहाँ पर CSK ने 133 रन बनाए थे, गुजरात टाइटंस ने उसे चेस डाउन कर लिया था आसानी से। उससे पहले CSK उसे मुंबई इंडियंस के बीच में भी एक मैच हुआ था, CSK ने सिर्फ 97 रन बनाए थे, मुंबई ने उसे चेस डाउन कर लिया था, लेकिन चेस डाउन करते करते भी उनके 5 विकेट्स गिर चुके थे, तो इससे हमें पता चलता है कि उनके बैटिंग में बिल्कुल भी दम नहीं है। और SRH वर्सेस RCB के बीच में एक मैच हुआ था, यहाँ पर RCB ने बड़ा स्कोर बनाया था 192 का, और SRH उसे चेस डाउन नहीं कर पाई थी, तो इससे हमें पता क्या चलता है, बड़ा स्कोर अगर बन जाता है तो चेस डाउन करने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर 130 से 150 के बीच में स्कोर बनेगा तो उसे आसानी से चेस डाउन हो जाना चाहिए वानखेड़े स्टेडियम पर। तो चलिए हम यहाँ पर अब बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं दोनों टीम्स का। मुंबई इंडियंस की तरफ से यहाँ पे ओपन कौन करेगा, यहाँ पे ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा ओपन करेंगे। पिछले मैच में डैनियल सैम्स आए थे वन डाउन बैटिंग करने के लिए, इनका मिडल ऑर्डर कौन संभालेगा, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, ट्रास्टियन स्ट्रब्स और टीम डेविड, इनका मिडल ऑर्डर होना चाहिए। और इनकी तरफ से जो 5 बॉलिंग ऑप्शन होंगे उनमें यहाँ पर डैनियल सैम्स, ऋतिक शौकीन, कुमार कार्तिकेया, जसप्रीत बुमराह और रिले मेरिडिट, इनके 5 बॉलिंग ऑप्शंस होने वाले। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मुंबई इंडियंस की तरफ से कौन कौन से होंगे, जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट होंगे, रिले मेरिडिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, डैनियल सैम्स इंपॉर्टेंट होंगे, और बैटिंग से जो टॉप 3 है वो तीनों की तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें ईशान किशन का नाम आता है, रोहित शर्मा का नाम आता है और तिलक वर्मा का नाम आता है, ये तीनों की तीनों आप इन्हें स्मॉल लीग में ज़रूर कंसिडर कर लेना। SRH का प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, यहाँ पर अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, केन विलियमसन के साथ वन डाउन आएंगे राहुल त्रिपाठी, और इनका जो मिडल ऑर्डर है वो कौन संभालेगा, एडन मार्क्राम, निकोलस पूरन, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और शशांक सिंह, ये इनका मिडल ऑर्डर संभालेंगे। और अगर आप यहाँ पे इनकी तरफ से 5 बॉलिंग ऑप्शन देखोगे तो इसमें किस किस का नाम आता है, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, टी नटराजन, उसके साथ साथ मार्को जेनसन इनके यहाँ पे, और वाशिंगटन सुंदर, ये 5 बॉलिंग ऑप्शन SRH की तरफ से होने वाले। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में उमरान मलिक का नाम आता है, वेन्यू रिकॉर्ड्स इनका काफ़ी अच्छा है, टी नटराजन हिट द डिक बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्को जेनसन भी एक विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं। एडन मार्करम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, ये कुछ SRH की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमने देख लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की तरफ। अगर आप यहाँ पे ग्रैंड लीग खेलते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है परफेक्ट लाइनअप, यहाँ पे आपके आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कैसे बनाने, आपको आपको यहाँ पे एक तो प्लेयर को देख लेना है, अगर आप प्लेयर को देखना चाह रहे हो तो आपको प्लेयर पे क्लिक कर देना है, आपके सामने ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाता है, आप क्या क्या देख सकते हो। टी नटराजन का देख लेते, तो देखिए यहाँ पे टी नटराजन लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ड्रीम टीम में रहे हैं। अगर यहाँ पे इनकी पहले बॉलिंग आती है तो वो कितने फैंटेसी पॉइंट्स देखे जाते हैं, 64 फैंटेसी पॉइंट्स। अगर इनकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो ये सिर्फ 2 फैंटेसी पॉइंट्स आपको एवरेज देखे जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि चेजिंग में कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर डेथ में बॉलिंग कराती कोई टीम तो वहाँ पे कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप नीचे ग्राफ आपको दिखाई देगा, ये आपको उस प्लेयर की कंसिस्टेंसी बताता है। तो कंसिस्टेंसी वाइज टी नटराजन एक अच्छे प्लेयर आपको दिखाई देंगे, लगभग इन्होंने हर मैच में परफॉर्म करके दिया है आपको, खास करके अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो।
मुंबई के खिलाफ अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे ना तो साधारण आपको बहुत ही साधारण दिखाई देगा। आप देख सकते हो एक भी मैच में इन्होंने विकेट भी नहीं निकाली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 5 फैंटेसी पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, 10 फैंटेसी पॉइंट्स, 15 फैंटेसी पॉइंट्स, यानी मुंबई के खिलाफ इन्होंने कभी अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं है। तो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ परफेक्ट लाइनअप पे आके ही मिलेगा। इस वेन्यू पे भी इनका एक ही मैच है और वहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ 2 फैंटेसी पॉइंट्स दिए। तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाता है इन्हें लेना है या नहीं लेना है। लेकिन टी नटराजन एक ऐसा प्लेयर है, अगर डेथ में बॉलिंग कराता है तो आप इन्हें छोड़ना मत, इनका रिकॉर्ड मत देखना। अब चलो हम T20 का इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। बॉलिंग 2022 में इन्होंने टोटल 10 मैचेस खेली है, यहाँ पे 18 विकेट्स इन्होंने निकाली है, यानी हर मैच में लगभग 2 विकेट्स के आसपास ही निकाल के ही जाते। आप इकोनॉमी भी देख सकते हो, इकोनॉमी इनका यहाँ पे 8.87 का इकोनॉमी आपको दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से हर एक प्लेयर को आपको देखना है और आपको डिसाइड करना है उसे लॉक करना है या फिर आपको उसे एक्सक्लूड करना है। लॉक आपको उन प्लेयर्स को करना चाहिए जो आपको लग रहा है कि आपके हर एक ड्रीम टीम में वो होनी चाहिए, और एक्सक्लूड आपको उन प्लेयर्स को करना है जो आपको लग रहा है नहीं खेलेंगे या फिर उनके खेलने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है। तो हमने यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को लॉक कर लिया, कुछ प्लेयर्स को हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते। तो चलिए, ये जो कुछ प्लेयर्स है खेलेंगे नहीं या फिर इनके परफॉर्म करने के चांसेस कम है, तो हम उन सारे प्लेयर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। तो लगभग हमें हर एक उस प्लेयर को एक्सक्लूड कर देना है जो आपको लग रहा है कि वो प्लेइंग 11 में नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स को एक्सक्लूड कर दिया है। जगदीशा सुचित, श्रेयस गोपाल, अब्दुल समद नहीं खेलेंगे, सीन एबॉट नहीं खेलेंगे, फेबियन एलन, इनको भी हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते। और देखिए, जब भी यहाँ पे लाइनअप्स आउट हो जाती है तो आप यहाँ पे और आके अच्छे से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्योंकि जो लास्ट टाइम चेंजेस हो जाते उसमें आपको कुछ प्लेयर्स नहीं खेलते हुए दिखते, तो आप उनको भी यहाँ पे एक्सक्लूड मत करो, उनको फिर से अपने टीम में लेना है आपको, उसके बाद फिर से कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे आप जनरेट टीम पर क्लिक करोगे आपके सामने ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बन के आ जाएगा, पूरे लॉजिकल कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लॉक करके अच्छे से बना सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे स्मॉल लीग की टीम देख लेते हैं, स्मॉल लीग की टीम यहाँ पे क्या हो सकती है। तो चलो, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 3 ऑप्शन है। टी स्टब्स को आप यहाँ पे ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, ये दोनों के दोनों इनफॉर्म है और आपको स्मॉल लीग में इनको दोनों को रखना ही है। किसको? ईशान किशन और निकोलस पुरन को। बैटिंग सेक्शन में टीम डेविड एक अच्छे हिटर है, इनको अगर थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है ना तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक कभी भी हो सकते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है और जब भी बैटिंग आती है तब हिटिंग की इनको मतलब आवश्यकता होती है और उस चक्कर में विकेट देके चले जाते हैं, तो ग्रैंड लीग में अच्छे ऑप्शन होंगे। रोहित शर्मा, दिलक वर्मा, इन दोनों को आप छोड़ नहीं सकते, मुंबई की तरफ से दो ही प्लेयर है जो आपको मतलब बैटिंग से कुछ करके देंगे। अभिषेक शर्मा इन फॉर्म चल रहे हैं, कुछ और है बॉलिंग भी करके जा सकते हैं। राहुल त्रिपाठी को भी हम अपने टीम में ले रहे हैं। रमनदीप सिंह को ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, शशांक सिंह भी ग्रैंड लीग के ही ऑप्शन होंगे आपके लिए। नीचे यहाँ पे कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं। केन विलियमसन बिल्कुल आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, पिछले मैच में भी काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया था, ग्रैंड लीग में एक अच्छे पिक आपके लिए होने वाले। अब हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ऋतिक शौकीन ग्रैंड लीग में ट्राई करना, और एडन मार्करम कभी भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, उसके साथ साथ कुछ ओवर्स बॉलिंग कराने के भी इनके चांसेस रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर पिछला मैच काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे और इंजरी के बाद आए हैं, तो यहाँ पे मैच प्रैक्टिस की कमी आपको दिखाई दे रही होंगी इनमें, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में इतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। डैनियल सैम्स आपके लिए मस्ट पिक होंगे, 1 डाउन बैटिंग प्लस पूरे 4 ओवर से बॉलिंग करा के जाएंगे। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह मस्ट पिक होंगे, नीचे मार्को जेनसन को आप ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। और टी नटराजन, देखिए आप अगर इनको ले रहे हो तो आपको क्रेडिट इशू बहुत आएगा और इनका फॉर्म मुंबई के खिलाफ इतना अच्छा भी नहीं है, तो हम इन्हें यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं अपने टीम से। आप चाहे तो ले सकते हो जहाँ पे क्रेडिट इशू आपको नहीं होता है। हम यहाँ पे रिले मेरिडिप के साथ जा रहे हैं, इनका भी वेन्यू पे परफॉर्मेंस अच्छा है। भुवनेश्वर कुमार भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होंगे, नीचे उमरान मलिक एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। देखिए, उमरान मलिक के साथ आप जा सकते हो, उनका वेन्यू पे अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना तो आपको काफ़ी लाजवाब दिखाई देगा। भुवनेश्वर कुमार और रिले मेरिडिथ, ये आपके लिए दोनों के दोनों अच्छे ऑप्शन होंगे स्मॉल लीग में। जिसकी भी यहाँ पे डेथ में बॉलिंग आती है तो आप उन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो। चलो, हम टीम को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी जो टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है? वेन्यू का रिकॉर्ड, हेड टू हेड, उसके साथ साथ जो भी आपको चाहिए फैंटेसी के लिए वो सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है। तो ये आपके मोबाइल में होना चाहिए, एक बार इसे चेकआउट ज़रूर कर लो अभी के अभी। बाद में यहाँ पे आप बहुत सारा मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होता है, उसे आप मिस आउट कर सकते हो। तो अभी इसे चेकआउट कर लेना। तो चलो, वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता ही रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।